तो वेक्टर एनालिसिस की सीरीज में आगे प्रोसीड करते हुए जब हम इस वीडियो पर पहुंचेंगे तो हमने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि वेक्टर में दो चीज प्रोनाउंस्ड होती हैं ऑपरेशन के टर्म्स में, एक तो आपका एडिशन और दूसरा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन की ओर पढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये आपकी ब्रॉड हेडिंग है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स है। इसमें जो पहला केस है वो है डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि यहां पर डॉट का एक इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस अब डिस्कस करने का वक्त आ गया। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या होता है भाई डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट? ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ A and B, dot product of A and B is defined as the product of magnitude of vector A and B and कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी मॉड ऑफ ए, फिर मॉड ऑफ बी और ये कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी। ठीक है, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, अब देखो इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, टेंथ में तुम पढ़ के आए हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर तुमने एक फोर्स एफ लगाया है और ये एंगल तुम्हारा थीटा है। अभी रेजोल्यूशन सिखाया है पिछली वीडियो में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा। अब ये मान लो एस डिस्टेंस चलकर यहां पहुंच जाता है, ठीक, तो डब्ल्यू कैसे डिफाइन होगा? भाई डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एस इंटू एफ कॉस थीटा, इसी को हम लिखते हैं एफ डॉट एस। ले भैया डिफाइन हो गया एफ डॉट एस। अब जैसे एक और चीज समझ लो, जैसे ये एक ब्लॉक है जिस पर हमने एक फोर्स लगाया है एफ और इस ब्लॉक की वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, ठीक। तो पावर एफ कॉस थीटा इंटू बी यानी ये क्या हो गया एफ डॉट बी। समझ में आया? तो द रिजल्टेंट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर भी स्केलर है और पावर भी स्केलर है। जब भी आप दो वेक्टर को स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसी को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है,